हमारी साफ बोलो, यहाँ से जाएंगे हम यहाँ दो बार और उसके बाद इस तरफ। तो अभी हम इस हॉस्पिटल के ठीक ऊपर हैं। वीडियो चालू है बॉस। हेलो, जा रहे हैं घर सबके साथ, मजा आ जाएगा बहुत। ये कितने लोग हमारे इधर बैठे हुए हैं और हमारे जो यंग लोग हैं वो इधर है। हेलो, कुत्ते राजू है आई को पानी करेगा। हां तो पानी। तो अभी हम लोग सिप्स को छोड़ के जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए और बोर्ड से जा रहे हैं, तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको। तो बोर्ड से हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, और ये सी पोर्ट है, यहाँ से हम एयरपोर्ट में जाएंगे। सारे अपनी पब्लिक है, यहाँ से हम एयरपोर्ट में जाएंगे। आ जाओ, उनको उधर भेज देते हैं। रख दिया, पूरा रेडी है हम लोग एयरपोर्ट के लिए और चलते हैं फटाफट। भगाना पड़ रहा है क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। तो पहुँच गए हम एयरपोर्ट में और यहाँ से हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है। तो अभी हम बोर्डिंग पास ले रहे हैं यहाँ से, इसके बाद फ्लाई करेंगे और देखते हैं कितना टाइम मिलता है। देख लो अपने साथ पूरी। तो ठीक है, अभी चेक इन करने वाले हैं हम लोग और चेक इन कर देंगे सीधा दिल्ली के लिए। यहाँ से दो फ्लाइट हैं, यहाँ से साओ पोलो से दोहा, दोहा से दिल्ली। तो डायरेक्ट दिल्ली में मिलेगा लगेज, एक चीज़ का तो मज़ा है। बस एंट्री कर रहे हैं सिप्स के अंदर और अंदर जा रहे हैं सिप्स में। हम देखते हैं फटाफट, अपने अपने सीट पकड़ते हैं और भागते हैं। ठीक है, ये अपनी साओ पोलो से रियो डी जनेरियो से साओ पोलो। ठीक है, तो हम लोग रियो डी जनेरियो से फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और साओ पोलो में अराइवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एयर सुविधा ऐप के बारे में बता रहा था, तो ये सब को आप सीधा घर में अपना लिंक भेजो। ठीक है, और उनसे भरवा लो यार, बहुत परेशानी होती है वरना। ठीक है, वो लोग आपको रेफरेंस नंबर और मेल में आपका भेज देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहुंच गए हैं साओ पोलो। देख लो अपनी टीम जा रही है फुल स्पीड में, हैं सब भूखे हैं, अभी खाते हैं कुछ, पहले वो गेट मिल जाए, दूसरी फ्लाइट ज्वाइन करते हैं। और हमारे साथ कुछ सीमन भाई भी मिले हैं, ये सब फिलीपींस के हैं एंड सब हाई बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हम लोग इनको छोड़ेंगे। और अपना गिटारिस्ट देख रहे हो, ये वो गार्डियन का स्टार है भाई साहब की। यस यस, सो यू ज्वाइनिंग और साइन ऑफ, ज्वाइनिंग वी साइन ऑफ। यस यस, देख लो पिछली बार हम लोग भी ये सारा सूट पहन के ना ज्वाइनिंग किया था सिर्फ, तो सीमेंस की लाइफ इतनी ईजी है नहीं, इस बार थोड़ा ईजी है। और चलते हैं, दूसरी फ्लाइट पकड़नी है, शाम तो हो गई, अभी खाने का तो कुछ पता है नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ। समझा हमारे चीफ कुक है, चीफ कुक ना, ये सामने वाले लड़की को ना पिकॉक बोल रहे हैं, दिख रहा होगा आपको ये सामने ना, ये सामने वाले लड़की को पिकॉक बोल रहे, मार खुलवाएगा आज पक्का। ठीक है, तो देखते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साओ पोलो में, इमिग्रेशन होगा उसके लिए जा रहे हैं हम लोग। और इमिग्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा आगे भी नहीं हुआ था डोमेस्टिक में, जा रहे हैं आगे, देखते हैं। पूरी टीम जा रही है पीछे, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, और तो साओ पोलो ना ब्राज़ील की बहुत बड़ी सिटी है, लाइक मुंबई, ठीक है, मुंबई के जैसे। तो वहाँ से हम लोग दोहा के लिए फ्लाइट करेंगे और वो आगे की जो फ्लाइट है ना वो है 14 और 15 घंटे की, भाई वाट लगने वाली है।
ठीक है। एक तो मुझे फ्लाइट में इतनी डर लगती है, ऊपर से 14-15 घंटे की, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। इमिग्रेशन निकल जाए, मेरा तो ये एयर सुविधा ऐप में भी बहुत प्रॉब्लम है यार। मैं आप लोगों को बताऊंगा एयर सुविधा ऐप को कैसे फिल करना है, उस पर भी जितना भी सीमेंस लोग हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी कम प्रॉब्लम हो, ठीक है। और यस, ask them to fill again and send the PDF. Yes, yes. If you don't show the PDF in India, you yes. don't step out from yes, the airport. Yes, yes, okay? Yes. And here she authorized you to, yeah. to do the check-in. Okay, thank because you. Because they don't accept this, only the number. You must show the full yes, form. Yes, full form, yeah. Thank you, ma'am. You know? Yes, I know. Thank you, ma'am. That's why we stop here. The right yes. should go straight inside. So, my Suvidha pe wo reference number aaya, mail nahi aaya mereko return mein. Uska check-in kar diya agent. कंफर्म कर रही है क्या इससे ओके, और कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं, होपफुली सब सही रहेगा एंड होपफुली रेफरेंस नंबर काम करेगा, पता नहीं कहीं फ्लाइट ना छूट जाए आगे की, देखते हैं, लेट्स सी। और ये चेक इन है, होपफुली कि फ्लाइट ना छूटे, लेट्स सी। नाउ दे आर इन सैन पाउलो रेडी टू गो होम। यस पब्लिक फुल भूखी है आज, आप देखते हैं खाने दें इनको। क्या ये चिकन है ना? हाँ वही सॉसेज है, हॉट डॉग। अच्छा मेरा उधर है, सॉरी इसे और गर्म नहीं करवाया, ले लिया भाई, ठीक है। हाय, सो वी बाय फ्रॉम हियर द हॉट डॉग्स एंड और हॉट डॉग्स लिए हैं यहाँ से खाने का, ये इटालियन लिया है। ये हो गई भाई तैयारी, हो रही है लगेज वगैरह तो रख दिए सबने ऊपर, और अभी ये लोग पूरा चेक करेंगे बिफोर डिपार्चर, देख रहे हैं वो लोग सब। और बाकी काउंट डाउन है फीफा वर्ल्ड कप का 2022, फीफा वर्ल्ड कप है क्या? हाँ तो 22 में है, तो कतार एयरवेज में है भाई, मुझे तो मज़ा आता है इस एयरवेज में, खाना पीना मस्त है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। हाँ भाई ये है फ्लाइट हमारी साओ पोलो, यहाँ से जाएंगे हम यहाँ दो बार, और उसके बाद इस तरफ ये टेम्परेचर इतना है, और टाइम टोटल लग जाएगा 14 घंटे। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि 14 घंटे की फ्लाइट में क्या करूँगा, ये तो मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, शिफ्ट के 2-3 वीडियो है वो भी करूँगा, ठीक है। और मूवी भी है यहाँ पे, देखो जो एंटरटेनमेंट में मैं क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मूवी आ जाएंगे, तो मैं मूवी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अरेबिक है, बॉलीवुड है, हम तो भाई इंडियन हैं, इंडियन वाली मूवी देखेंगे, देखते हैं कौन कौन सी आजकल चल रही है। भूख तो बहुत लगी यार फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में, आज खाना ही नहीं खा पाए, पर फ्लाइट में देखो ये एक चीज़ अच्छा है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, कुछ भी बोलो किसी भी फ्लाइट में मुझे हमेशा खाना बहुत अच्छा मिला है, ठीक है। तो ठीक है मैं खाना खाता हूँ यार, बहुत भूख लगी है, और आप लोग देख लो ऐसे ही मिलता है फ्लाइट में, और सरमाने का नहीं, बिंदास मांगो, जो खाना है जो पीना है बिंदास मांगो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब मैं ज्वाइन किया था तो काफ़ी सरमाया था, मुझे लगा यार क्या पता पैसे पड़ेंगे क्या पड़ेंगे सब ना, धीरे धीरे अब तो 6-7 साल हो गए सब सीख लिया, और हमारे दोस्त तो इतने भूखे हैं देख लो, बेचारा उसका पास था तो ठीक है, भगवान के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास अभी डॉलर थे और इंडियन मनी था, हमें खाना नहीं मिल पाया भाई, बहुत सारे डॉलर थे खाना नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको डॉलर नहीं चल रहे थे वहाँ पे, उनको ब्राज़ीलियन मनी चाहिए था और एक्सचेंज वाला कोई था नहीं, तो पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, और इस खाने के लिए इतना हो रहा है तो भगवान का धन्यवाद कि हमें अच्छा अच्छा खाना देता है, और उसके लिए हम मेहनत खूब करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर है और यहाँ पहुँचना है, तो थोड़ा सा ही बाकी तो हम पहुँच गए हैं, दोहा पहुँच गए, और फ्लाई अभी जस्ट अराइवल होने वाली है, थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है, ठीक है। और इससे आगे दिल्ली की फ्लाइट है शाम को, 2-3 घंटे का है यहाँ पे, तो 3 घंटे तो पता भी नहीं चलेगा कभी निकल के, ठीक है।
ठीक है। तो अच्छा रहा यार फ्लाइट में, बहुत बढ़िया था। करीब इसका खाना पीना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। खाना खाने जाना ठीक है। हाँ अब वो तो मैं वहीं दिखाऊंगा, मैं लास्ट मेरी पहली वीडियो है जो यूट्यूब पे, मैंने बोला था वहाँ सीमेंस के लिए कितनी अच्छी चीज़ें सीमेंट लोग, अभी दिखाता हूँ आप। तो अभी उतर रहे हैं सब लोग और दूसरे फ्लाइट के लिए जाएंगे हम लोग। तो अभी पहुँच गए हम लोग दोहा में, और दोहा में पहुँच तो ये है सीमेंट क्लब और सीमेंट लॉज बोलते हैं इसको। तो जितने भी हम सीमेंट से जो मर्चेंडरी में काम करते हैं अपना सी डी सी वहाँ पर दिखाओ, ठीक है। तो इस लॉज में सारा खाना पीना यहाँ पे फ्री है, ठीक है। और ये चीज़ का फ़ायदा है यार सीमेंट्स में, दोहा एयरपोर्ट ने ये सबसे बढ़िया काम किया है कि यहाँ पे सीमेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दिए हैं। तो ये सीमेंट लॉज मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। और ये फ़्लाइट है मेरी दिल्ली की और 7:35 की है, ये 10 गेट पर है, तो मैं चलता हूँ। तो अभी ये 10 पे हमारी दिल्ली की फ़्लाइट, तो वहाँ जा रहा हूँ पर देख भी लो, ठीक है। तो देखते हैं आगे मिल जाएगा, और यहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट है अब, और चलते हैं। ये 10 गेट पे है अपनी फ़्लाइट, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-3.5 घंटे की है ड्यूरेशन, तो ठीक है भाई, कल से तो अच्छा ही है, ठीक है। और तो अभी हम बैठ गए हैं दोहा में फ़्लाइट में, अब जाएंगे दिल्ली, 3 घंटे की फ़्लाइट है। तो ये दोहा से दिल्ली जाते टाइम जो खाना है वो दिया है, तो राइस है, चिकन है, वेजिटेबल्स है, सैलेड है, स्वीट है, कॉफ़ी है एंड वाटर, ठीक है। थैंक यू। देख ले, तो फाइनली बैग आ गया भाई अपना। कितना आधा घंटा वेट किया ना राजू, आधा घंटा वेट करने के बाद अपना बैग आ गया। ले भाई अब घर जाएंगे। पहुँच गए हम लोग दिल्ली और चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हम लोग, और 2 बज रहे हैं यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बस में चले जाऊँ, क्योंकि सुबह 8-9 बजे तक वेट करना पड़ेगा देहरादून की फ़्लाइट के लिए। तो मैं बस से निकलता हूँ और बाद में देखते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। ओके।